गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के बच्चों, जो मैं एक्सरसाइज था 3.3 उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी को पढ़ा था। उसमें आपको एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड होल नंबर विद एग्जांपल। ये तो कुछ रूल है, डिस्क्रिप्शन है, उसको 1 से लेकर 3 तक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में 1 जो बोलता है, 1 बोलता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। मल्टीप्लाई 0 जो होता है वो क्या होगा, हमको पता क्या है कि किसी भी डिजिट में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है। और फिर बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। तो ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये 4 का जो क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी का 4 का अगर हम 3 देखते हैं, डैश मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 998 मल्टीप्लाई डैश क्या होगा, हमको पता क्या है। यहाँ पे देखिए, आपका a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a वाला प्रॉपर्टी चुना हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो नहीं है वहां पे है, वहां पे नहीं है यहाँ पे है, यानी कि 998 यहाँ पे छुपा हुआ है और 11 यहाँ छुपा हुआ है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? तो ये जो हो गए आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? कम्यूटेटिव क्या हो गया आपके प्रॉपर्टी है। तो इसे सेट 4 ऐसे नहीं बनेगा, यूज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि यूज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज कर रहे हैं, जैसे कि बोलता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है 561 मल्टीप्लाई 99। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए 99 जो है 100 के पास का है, इसको हम लिख सकते हैं 561 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 561 मल्टीप्लाई 100 माइनस 561। अब ये 561 00 माइनस 561 9 10, ये 9 हो जाएगा, 963 हो जाएगा, ये 0, ये 10 और ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रॉपर्टी को फोर्सिंग करते हुए आपको क्या बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देते 51 मल्टीप्लाई 85, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 को 50 प्लस 1 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 85। अब क्या करते हैं, 50 मल्टीप्लाई 85 प्लस 85, इसको करके मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। ये चीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 करता है, मेक द सुटेबल अरेंजमेंट बिफोर द मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग। सुटेबल अरेंजमेंट यानी कि जो अरेंजमेंट दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो दो छोटे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बनाते हैं। तो क्या हो गया कि ये जो है एक्सरसाइज जो है आपका 3.3 जो है, जो आपका 6 to 9। अब क्या है, आपका होमवर्क है 6 to 9, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में क्या है, इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा और आपको फिर हम डिवीजन के कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे और आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।